था ना, सारा उठाने का मन कर रहा है। इतना सस्ता है वो है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर चीज मिल जाता है, बहुत फ्रेश। हाँ फ्रेश है, बहुत ही हेल्दी होता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी भी इसका सेवन करते हैं। डल्ले कुर्सानी, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको हर वैरायटी की सब्जी मिल जाती है, नेपाल का जैसे है ना। ये देख के बड़ा मन प्रसन्न हो गया कि ये बेबा है। हाँ तुम है तो जब तो ये हो गया तो अभी तो आई हूँ। ओह माय गॉड, ओह स्वीट। हरे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी लोग नाती से मिलना। अच्छा मम्मी ने बता दिया। हाँ तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरे माता श्री भी रेडी हो चुके हैं। कितनी सुंदर लग रही है, देखो काफ़ी टाइम बाद माता जी जो है मेरे ब्लॉग में दिख रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी माता श्री जो है काफ़ी टाइम बाद ही आई हैं और राहुल जी गए हैं ऊपर रेडी होने के लिए, है ना। तो हम लोग जा रहे हैं मेरे काविश के पास, गोविंदपुरी जा रहे हैं। हाँ मेरी भतीजी है और मेरा वो नाती और जोई जोई यस जोई बाबू जोई बाबू यस 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 जोई बोलने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता है, दूर का बेटा तो बोल दो, बाबू बोलते हैं। हाँ बाबू बोल देंगे। हाँ क्योंकि रीना और मैं मम्मी बचपन के हम लोग मतलब एक तो रिश्तेदार में लगते हैं, मामा की बेटी है वो और मामा की बेटी तो कम लेकिन फ्रेंड ज्यादा है ना मम्मी। हाँ मेरे लिए दिन याद करती हूँ तो वो मेरी बेस्टी है, धक्का दे के भेजती थी वो मेरी बेस्टी है, बेस्टी। हाँ बहुत। हाँ और बचपन से ही हम लोग एक साथ नहाना, एक साथ खाना पीना हर चीज। एक बार मुझे याद है कि मतलब उसका एग्जाम था, एग्जाम तक छोड़ दिया था कि मेरे को नहीं जाना है, मुझे बुआ बोलती है ना आपको, हाँ बुआ के पास ही रहना है। हाँ दीदी बोलती है, यस दीदी। तो जा रहे हैं, हो गए आप रेडी? ये भी हो गए हैं एकदम से रेडी, तो अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया। काफी देर हो गई यार, मेट्रो ही नहीं आई और मेरी मम्मी को चाय तो मैंने अभी पिया है यहाँ, मम्मी का आज फास्ट भी है, कोई नहीं वहाँ जाके पिलाएंगे कॉफी वगैरह। काफी देर से वेट कर रहे हैं, मेट्रो ही नहीं आई है और मम्मी बहुत मस्ती कर रही है ना। मम्मी कैसे है? मम्मी आई और सीधा घुमा गई घर के अंदर बैठे रहो, लेकिन आपकी बेटी घुमाती है आपको, चल दिया पर आपकी बेटी घुमाती है आपको, बोले नहीं थे चलो मैं खुद ही मैं भी जा रही हूँ। सॉरी चलो मेट्रो, नहीं यार मेट्रो ही नहीं आ रही यार। अच्छा उधर की आई है साइड की, कम से कम 15 मिनट वेट करने के बाद आई है मेट्रो, खाली है। मम्मी बैठ जाना क्योंकि बहुत दूर है, खाली है। हाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है, यही से स्टार्ट होता है ना। हाँ यही से स्टार्ट होता है, चलो चलो खुल जा सिम सिम, नहीं खुला खुल जा सिम सिम, चलो चलो वो देखो कैसे। ओ माय गॉड, अरे 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 चलो मम्मी आ जाओ इधर बैठ जाओ, आ जाओ आप इधर आ जाओ। पहुंच गए हम लोग गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर है और देखिए पता नहीं क्या ही चल रहा है, वैसे ऑलरेडी लेट हो रहा है। रीना ब्लॉग देखोगी ना तो देखना, हर चीज़ पे लेट इन्होंने किया है। और एक और बात है कि मम्मी को रीना को सरप्राइज़ दे रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि मम्मी भी आ रही है ना, सरप्राइज़। हाँ मैं वैसे उन लोग को इतना सरप्राइज़ देती हूँ ना रीना जी, कभी मुझे भी सरप्राइज़ दे दिया करो आके कि हाँ हम आए हैं ना मम्मी, यस कर रही है। तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ से हम रिक्शा करेंगे फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट पहुँच जाएगी उनके फ्लैट के नीचे। चलो चलते हैं और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे महाराज जी को इतना शर्म आती है ना, बट वो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ।
इससे पहले मैंने बैग लिया था, अभी दिखाती हूँ। इतने कॉन्शियस अपने लोग के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे इतना हंसी आ रही है, सुनती दिखाती हूँ मम्मी कैसे लग रही है। यस वहाँ बैठी यूनिंग कर रहे हैं। अरे मम्मी वहाँ पे दुकान है भले। हाँ मम्मी कह रही इधर से ले जाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं। मैं इसकी बात कर रही थी, हमारे महाराजी ने बैग उठाया है भाई, वो इतने अपने लुक्स को लेके वो है ना, कहते नहीं मैं नहीं उठाऊंगा ये वो। तो मंडी में हम लोग आए हैं, मम्मी पता नहीं कहाँ गई है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले जा रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, मम्मी से पूछती हूँ मम्मी कैसा लग रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, आप तो फर्स्ट टाइम आई हो। यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर चीज मिल जाता है, बहुत फ्रेश। हाँ फ्रेश है। तो कुछ इतना आइटम हम लोगों ने ले लिया, आलू और खीरा कुछ कुछ चीजें। ये देखिए ये ड्रम स्टिक है, बहुत ही हेल्दी होता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी इसका सेवन करते हैं। वो हर मम्मी कहाँ कहाँ जा रहे हो यार, मम्मी को इतना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, मतलब क्या ही बताओ। और मम्मी को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे महाराज जी भी ये देख सकते हैं, कुछ कुछ लेके आ चुके हैं। मम्मी बहुत कंफ्यूज रहती है, सो मच कंफ्यूज हर चीज में। चलो चलो चलो, आम भी मिल रहा है। हाँ आम का तो अब तो सीजन आ गया, देख सकते हो इतना मतलब फ्रेश फ्रेश सब्जी, मन प्रसन्न हो जाता है इतनी अच्छी चीज देख के। ये देखो न्यूरो, न्यूरो है ना मम्मी, न्यूरो तो क्या है ये? ये बुआ के रखा है। अच्छा ये केला का सब्जी, डल्ले कुर्सानी, ओ माय गॉड। यहाँ पे आपको हर वैरायटी की सब्जी मिल जाती है, नेपाल का जैसे है ना। ये देख के बड़ा मन प्रसन्न हो गया कि ये दूर हो गई, मैं तो रोज आती है यहाँ। देखो मम्मी केला का वो है, केला का ये मम्मी को यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना, हम मम्मी को जबरदस्ती ले चल रहे कि मम्मी चलो 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 वेट कर रहे हैं। ये वाकई में वैसे ये हाँ बाद में देख लेना यार, आ जाओ मम्मी अब हो गया, बहुत लेट हो रहा है। मम्मी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है, मम्मी सब्जी ही देखी जा रही है, मम्मी को बोलना पड़ रहा है चलो चलो। हाँ कर कर लो। अरे यार चलो चलो चलो, मम्मी को यहाँ आके नेपाल की याद आ रही है, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट नेपाल की सब्जियाँ मिलती हैं। ये देखो अरे यार जी जी मिल गए, कौन बनाए सरप्राइज दिया था जीजू, मम्मी हिली नहीं रही, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मम्मी ऐसे कह रही कि स्वर्ग में रहते हैं ये लोग। और देखो हमारे जीजू इतने स्लिम हो गए ना, मतलब क्या ही बताओ। कविश बोरे मेरे बाबू, बहुत गर्म हो रखा है कविश। मम्मी देखो आपको, अच्छा पापू को
क्या 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 भीड़ हो गया इनका काम। जाओ 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 बढ़िया। ओ मुझसे तो मिलो नहीं नहीं पागल है ना। कबीश को देखो, कबीश को देखो, कबीश सरप्राइज था, नहीं बताया था। मैंने ऊपर से देख लिया था, देख लिया था कितनी गंदी ऊपर से देखा। कह रही थी दीदी को, मैं नोएडा से आई, तैयार हो गए, मैं भी जा रही हूँ। मम्मी कह रही मैं आई और तुम, हमने कहा आप आए 15 दिन में हम छोड़ के जा रहे हैं। ये किसका है? सिर्फ नाती नाती है, तुम तो हो ही नहीं थी ना अब तो। अच्छा फिर तुम आओगे है ना मेरे पास? नहीं आओगे मेरे बच्चे के पास आओगे? मेरे पास नहीं आओगे, मैं बेबी के पास आऊंगी, बेबा बेबी जो भी होगा। अच्छा बेबी बेबा है ना, ये बेबा है। हाँ तुम है तो अभी तो ये हो गया, तो अभी तो आई हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा है, सब के लिए आई हूँ। तो पहले भी आते ना? नहीं ये हाँ ये बात है, आना तो पहले आते हैं। पहले क्यों नहीं आए? मैं देखा नहीं आप मेरे साथ भाग के? ये तो आते थे ना। फिर कहीं बचा है? कभी शेखा कर दो, हाय हाय, नमस्ते नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते, फ्रैंक किस दे दो, हाय फाइ, गिव मी हाय फाइ, हाय फाइ, हाय फाइ, नो हाय फाइ। वो सोच रहे हैं अभी एकदम से है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना इसलिए। दोनों का प्यार देखो, कभी दो दिन और मेरे को भी खिला दो, मेरे को भी खिला दो। ओ ओ हाउ स्वीट, हां से लेके ला, नहीं 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 मुझे मुझे नहीं 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 कर पाओ दी दो कभी देख। देखो मुंह से निकाला, मेरे लिए कहां है, कहाँ है मेरे लिए? सिर्फ मौसा जी को प्यार कर रहे हो? कबू हाँ। गलत बात है, मौसा जी को ही प्यार। ओह, मेरे को कहाँ है? देखो भाई कभी इतना चंट है, अपने मौसा जी को खिलाया और मुझे नहीं खिलाया है, अपने मुंह का भी निकाल के खिलाया है। खाने के लिए सबसे पहले हमारा कवीश ही बैठ गया है, दरी जैसे बिछानी की वैसे। क्या चाहिए? सैलेड, ये देखो सैलेड इतना पसंद है ना, लो। नहीं इग्नोर, ये लो। ये क्या बात हुई कविश? क्या हमारा डिनर भी हो चुका है रेडी, और डिनर में है ये आलू की सिंपल सब्जी, और इस साइड में है दही, और इधर है सैलेड, और इधर है छोले, और इस साइड में है राइस, और इस साइड में है स्प्राइट, और इस साइड में काविश भी है ना कविश? काविश हामी कौन? हाँ, अरे चटनी भी तो था, टाइगर दिखाओ ना चटनी जो हमारे महाराज जी ने बनाई थी, इधर दिखाओ ना पास में। बहुत टेस्टी, जो कि मोमोज की चटनी बनाते हैं, बहुत मस्त है ना। कविश हमारे सबसे पहले बैठ गए है ना थाली लेके, तो इसी के साथ ना आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हरे कृष्णा राधे राधे शुभ रात्रि, बाय बाय। कविश पानी दे दोगे? पानी लेके आओ।